अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स टुडे इज माय टॉपिक इज़ डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी एंड रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स रूल तो पहले बच्चों डिमांड फॉर ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी रेफर्स टू डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स जो ऑटोनॉमी है ये मुख्तलिफ स्टेटों के लिए मुख्तलिफ होती है एंड मुख्तलि पार्टीज़ के लिए भी मुख्तलिफ होती है डिमांड एक्सपेक्ट दैट द डिवीज़न ऑफ पावर्स शुड बी चेंजड इन फेवर ऑफ स्टेट्स एंड मोर पावर्स एंड इम्पॉर्टेंट पावर्स टू बी असाइन टू द स्टेट्स सबसे पहली डिमांड जो थी स्टेट्स की कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए और ऑटोनॉमी में पहला आ, उनकी पहली डिमांड थी कि जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है ये तब्दील किए जाए और ज़्यादा पावर्स स्टेट्स को दिए जाए और इम्पोर्टेंट पावर्स को भी स्टेट्स को इजरा किया जाए यानी जो ज़्यादा पावर स्टेट के बजाय सेंटर को दिया जाए उससे वो चेंज करना चाहते थे और उनकी डिमांड थी कि ज़्यादा पावर्स और इम्पोर्टेंट पावर्स स्टेट को दिया जाए तो दूसरी डिमांड ये थी स्टेट्स की कि आ, स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो रेवेन्यू है वो उनका इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए और ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए उन रिसोर्स पे ठीक है तो उसको वो फाइनेंशियल uh, अटानोमी के uh, नाम से पुकारते थे यानी वो चाहते थे कि जो रिसोर्स है स्टेट के रिसोर्स जो स्टेट के रेवेन्यू रिसोर्स होते हैं जिससे स्टेट को पैसा मिलता है उन पे ज़्यादा कंट्रोल स्टेट का ही होना चाहिए बनस्बत के सेंटर के यानी वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे तो नंबर तीन जो था उनका वो डिमांड रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी स्टेट के पास होने चाहिए यानी स्टेट रिसेंट द कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी स्टेट के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है उस पर अपना कंट्रोल होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया कि अगर कोई बड़ा ऑफिसर होता है यानि आई ए ऑफिसर होता है या आईपीएस ऑफिसर होता है उस पर स्टेट का कंट्रोल नहीं होता है बल्कि उस पर सेंट्रल का कंट्रोल होता है और अगर वो कभी भी कोई भी काम करता है किसी भी जगह लॉ एंड आर्डर को मेंटेन रखने के लिए कोई बड़ा काम करता है तो उसका दिफा पार्लियामेंट करती है तो स्टेट डिमांड करते थे कि नहीं आई या आई ये जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं उनका कंट्रोल भी स्टेट के अंडर होना चाहिए ये तीन चीजें जो है वो ऑटोनॉमी में आते हैं यानी पहली पहले, पहले बात यह है कि इंपॉर्टेंट पावर्स जो है यानी डिवीजन ऑफ पावर जो हुआ है इसमें ये डिवीजन ऑफ पावर चेंज होना चाहिए और इंपॉर्टेंट पावर्स जो है वो स्टेट को दे देने चाहिए और मोर पावर स्टेट को दे देने चाहिए तो दूसरी डिमांड ये थी कि जो रेवेन्यू है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू उस पर कंट्रोल होना चाहिए ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए उन रिसोर्स पे स्टेट का ठीक है जिसको वो फाइनेंशियल अटानोमी के नाम से पुकारते थे तो तीसरी बात ये है कि डिमांड्स रिलेट्स टू तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी स्टेट के पास होने चाहिए यानी जो ये बड़े बड़े ऑफिसर्स है कलेक्टर्स वगैरह ये आई ऑफिसर्स आई ऑफिसर्स इनका कंट्रोल भी स्टेट के पास होना चाहिए तो ये थे डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेजिडेंट रूल गवर्नर का रोल क्या होता है और प्रेजिडेंट्स रूल क्या होता है गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दे फॉर एक्शन ऑफ़ द गवर्नर आर ऑफन वी वुड एज़ इंटरफरेंस बाई देंट्रल गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नर्स होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और उनकी एक्शंस जो होती है जो वो एक्शंस करते हैं उनकी देखभाल भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है ठीक है अगर जो वो फंक्शन स्टेट में करते हैं अगर जो गवर्नर गवर्नर जो है वो अपनी ड्यूटी स्टेट में निभाते हैं मगर उनकी जो आ, जो उन उनकी जो इंटरफ्रेंस होती है यानी Uh, जो uh, उनके एक्शनस uh, होते हैं वो uh, देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अंडर व्हेन टू डिफरेंट पार्टीज आर इन पावर एट द सेंटर एंड द स्टेट जब सेंटर में और स्टेट में अलग अलग पार्टीज पावर में होती हैं यानी जब सेंट्रल में किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट uh, हो और स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो तब क्या होता है द रोल ऑफ गवर्नर बिकम्स इवन मोर कंट्रावर्शल उस वक़्त गवर्नर का जो रोल होता है वो कंट्रावर्शल बन जाता है यानी अगर मान लो अगर सेंट्रल में बीजेपी की हुकूमत है और स्टेट में कांग्रेस की हुकूमत है तो उस वक़्त जो रोल होता है गवर्नर का वो कंट्रावर्शल बन जाता है वो कन्फ्लिकल बन बन जाता है यानी कंट्रावर्शल बन जाता है उस वक़्त जब सेंट्रल में एक गवर्नमेंट हो और स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट हो नंबर तीन द सरकारी कमीशन दैट वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 1983 इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नाइनटीन टू एग्जाम द इशूज रिलेटिंग टू द सेंटर स्टेट रिलेशन एक कमीशन बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की जानब से उन्नीस में जिसका नाम था सरकारिया कमीशन और उसने अपनी आ, रिपोर्ट आ, 1988 में दे दी उनको ये, आ, ये आ, काम दिया गया था कि आप एग्जामाइन करो द इश्यूज रिलेटिंग टू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो सेंट्रल और स्टेट में जो आपस में रिलेशनज़ हैं उनकी आप आ, उनको एग्ज़माइन करो उनको देखो और रिकमेंड दे रिकमेंडेड दैट अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर शुड भी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीसन और उन्होंने फिर रिकमेंड किया कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो पार्टी के बिना पे नहीं होती है होनी चाहिए यानी अगर सेंटर में बीजेपी की हुकूमत है तो वो ये ना करे कि स्टेट्स के गवर्नर्स को अपनी पार्टी से बनाए बल्कि उन्होंने ये रिकमेंड किया यानी सरकार या कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो गवर्नर्स होते हैं वो नॉन पार्टीशन के बिना पे अपॉइंट होने चाहिए यानी वो किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आर्टिकल 356 अगर हमारा अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 356 वो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शल आर्टिकल है विच प्रोवाइड्स फॉर प्रेजिडेंशल रूल इन एनी स्टेट वो ये है कि कभी भी कभी भी किसी भी स्टेट में प्रजिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है ये मगर कंट्रोवर्शल आर्टिकल है दिस प्रोविजन इज़ टू बी अप्लाइड वैन ए सिचुएशन हैज इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नाट बी कैरियड ऑन इन एकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेजिडेंट्स रूल कब लग जाता है प्रेजिडेंट्स रूल उस वक्त किसी स्टेट में लग जाता है जब जब कभी भी किसी स्टेट की गवर्नमेंट जो होती है वो कैरी नहीं करती है उस लिहाज से जिस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन में उस लिखा गया है कि आपको इस तरह से कैरी करना है यानी जब कभी भी आप देखोगे कि किसी आ, स्टेट में गवर्नमेंट उस तरह से नहीं चलती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलती है तो उस वक़्त गवर्नर जो है वो रिकमेंड करता है और डिजालो करता है असम्बली को और डिज़ालो करता है लेजस्लेचर्स uh, उसको और रिकमेंड uh, करता है फॉर प्रजिडेंट रूल मगर जो ये प्रोविज़न रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न जो है ये कंट्रावर्शल प्रोविजन है इट रिजल्ट इन द टेक ओवर ऑफ़ द स्टेट गवर्नमेंट बाई द यूनियन गवर्नमेंट इससे क्या होता है कि जब ऐसी बात होती है तब स्टेट गवर्नमेंट के पास से आ, स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के स्टे, स्टेट की बागडोर सेंट्रल संभालती है ठीक है तो द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट जो आ, जो इसकी जो प्रेसिडेंट का जो ये प्रोक्लेमेशन होता है यानी ऑफिशल अनाउंसमेंट जो होती है ठीक है ये आ, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट विच डील्स विद द मैटर ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस ठीक है तो ये ऐलान जब होता है कि आ, आ, इस बात को पक्का किया जाता है पार्लियामेंट के ज़रिए यानी पार्लियामेंट इसका अनाउंसमेंट करता है कि फलानी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लग गया है तो प्रजिडेंट्स रूल कैन भी एक्सटेंडेड टिल थ्री इयर्स और ये प्रेजिडेंट्स रूल जो होता है ये तीन साल तक किसी स्टेट में चल सकता है द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के पास ये पावर्स होते हैं कि वो किसी भी वक़्त स्टेट uh, गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है एंड सस्पेंशन और डिजोल्यूशन ऑफ द स्टेट असम्बली और स्टेट असम्बली को डिज़ोलो भी कर सकता है यानी ये गवर्नर के पास ये पावर्स होते हैं दिस हैज़ लेड टू मैनी कन्फ्लिक्ट ये जो पावर इसके पास दिया गया है गवर्नर के के पास जो ये पावर्स रखे गए हैं इनसे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स उठे हैं इन सम केसेस स्टेट गवर्नमेंट वर डिसमसड इवन व्हेन दे हैड ए मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर उस वक़्त भी गवर्नर स्टेट uh, लेजिस्लेटर को डिसमिस uh, कर सकता है अगरचे उस स्टेट गवर्नमेंट के पास एबसल्यूट मेजॉरिटी भी हो यानी अगर किसी पार्टी की गवर्नमेंट किसी स्टेट में हो और उसके पास एबसोल्यूट मेजॉरिटी हो यानी उसको वो कोलेशन में पे दारोमदार ना रखती हो और वो सिर्फ सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट हो तो गवर्नर के पास ये अख्तियार है कि वो उस सिंगल पार्टी गवर्नमेंट को भी डिजालव कर सकती है यानी ये कन्फ्लिक्ट बन चुका है कि अगर किसी पार्टी को लोगों ने चुना है और सिर्फ उसी एक पार्टी की गवर्नमेंट है और वो पावरफुल होनी चाहिए मगर स्टेट गवर्नमेंट उस वक़्त पावरफुल नहीं होती है जब गवर्नर चाहे उसको डिजॉल्व कर सकता है द आर्टिकल थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स वॉज वेरी यूज टिल नाइनटीन सिक्सटी सेवन ये जो आर्टिकल 356 है जो ये कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है इसको बड़ी अच्छी तरीके से उन्नीस तक इस्तेमाल किया गया मगर आफ्टर 1967 सिक्सटी सेवन मैनी स्टेट्स है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स मगर बहुत सारी स्टेट्स में फिर कांग्रेस uh, के अलावा किसी और की गवर्नमेंट आ गई यानी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आ गई 1967 के बाद यानी 1967 तक डोमिनेंस थी सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट की यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट हर स्टेट में चलती थी मगर जब 1967 के बाद स्टेट्स uh, में गवर्नमेंट चेंज हुए एंड द कांग्रेस वाज इन पावर एट सेंटर मगर कांग्रेस पा, पावर में था सिर्फ सेंटर में और स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट हट चुकी थी और दूसरी Um, दूसरी पार्टियों के गवर्नमेंट आ चुकी थी द सेंटर हैज़ ऑफन यूज दिस प्रोविजन टू डिसमिस स्टेट गोरमेंट और हैज़ यूज द ऑफिस ऑफ द गवर्नर टू प्रिवेंट द मेजॉरटी पावर पार्टी और कोलेशन फ्राम एज्यूमिंग ऑफिस देंटर हैज़ ऑफन यूजड मगर सेंटर ने फिर भी इसको इस्तेमाल किया दिस प्रोविजन टू डिमिस स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फिर भी वो डिसमस कर सकते थे और हेज़ यूज दफिस ऑफ द गवर्नर टू प्रवेंट द मेजार्टी पावर्टी पार्टी और गवर्नर ऑफिस को इस्तेमाल में लाया गया कि आप प्रिवेंट कीजिए मेजॉर्टी पार्टी को और कॉलेशन फ्राम एज्यूमिंग ऑफिस कि वो मेजॉरिटी uh, पार्टी हो या कोलेशन पार्टी हो उसको भी गवर्नर के पास इख्तियार रखे गए कि आप इसको डिसमिस कर सकते हो मिसाल के तौर पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन आंध्र प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर इन द डिकेड ऑफ़ नाइनटीन एटीज़ मिसाल के तौर पे मैं बता सकता हूँ आपको कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को, को, को हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर में भी मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट थी और आंध्र प्रदेश में भी मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट थी दोनों जगहों पे नाइनटीन एटीज़ में गवर्नमेंट को हटाया गया बाय द गवर्नर आ, उस वक़्त भी इस आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके गवर्नर ने दोनों जगहों पे गवर्नमेंट को हटाया और ये जो थ्री हंड्रेड आर्टिकल थ्री इसीलिए कंट्रोवर्शियल आर्टिकल बन गया है थैंक यू ये था आपके पास डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेजिडेंट रूल थैंक यू